दोस्तों, सैमसंग का मोबाइल हो या आपका दूसरा मोबाइल हो, अभी लेटेस्ट वर्जन के मोबाइल में यह फीचर आ गया है मल्टीटास्किंग का। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिसे मैं यहाँ पे साइड में जैसे ही ड्रैग किया तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐप्स आ गए। मैं जैसे इसको दबा के रखूँगा और बाहर निकालूंगा तो एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। दोस्तों, इसमें मैं मेरे मैसेज भी कर सकता हूँ या फिर मैं ऊपर से स्क्रीन को हटा के मेरा दूसरा काम भी कर सकता हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो या फिर इसको कट कर सकते हो। दोस्तों, ये सेटिंग कैसे करते हैं यह देखने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर ऑन कर देना, रेड बटन है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका जो भी मोबाइल है लेटेस्ट मोबाइल उसके सेटिंग में जाना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं सेटिंग में गया। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप, डिस्प्ले इस सेटिंग में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आप नीचे देखोगे एज पैनल दिखा हुआ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एज पैनल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पहले ऑफ रहेगा, सभी का ऑफ रहता है, आपको पहले इसको ऑन करना है। इसको जैसे ही ऑन करोगे उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। इसको जैसे ही ओपन करोगे उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे कि आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आपके जो ऐप्स है वो आ जाएंगे। पहले इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप पैनल्स पे देखोगे, यहाँ पे पैनल्स लिखा हुआ है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, पैनल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले में क्लिपबोर्ड, एप्स, पीपल और स्क्रीनशॉट, स्मार्ट सिलेक्ट, टास्क, दोस्तों सारे आ जाएंगे। आपको जो जो रखना है वो रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पीपल को बेट कर लेता हूँ, जैसे हम किसी को कॉल करना है, शॉर्टकट है दोस्तों। उसके बाद मैं वापस बैक करता हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो हैंडल, हैंडल का ऊपर क्लिक करना है। इस हैंडल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने हैंडल का कलर दिखेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ आप यहाँ साइड में देख सकते हो, यहाँ पर ये थोड़ा सा रेड हो गया है दोस्तों। और इसकी साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जैसे इसको खींचेंगे स्मॉल है तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हो। फिर उसकी जो टेम्परेंसी उसको भी बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। वाइट ही कर देते हैं क्योंकि जब भी हम स्क्रीन यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर दिया हूँ। इसके बाद आपको बैक करना है। इसके बाद आपको अबाउट एज पैनल, इसको तो कुछ नहीं करना है, नीचे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे छोटा सा आइकन दिखेगा यहाँ पर। अब यहाँ से बैक होता हूँ तब दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर मैं वाइट वाले पेज पे चला जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्टूडियो में आ जाता हूँ, स्टूडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वाइट पेज पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है दोस्तों, ऐसे साइड में जैसे ड्रैग करोगे आपके सामने जो आपका पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये तो रहा इसको सेट कैसे करते। अब हमने थंबनेल में बताया था कि पॉपअप विंडो कैसे कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमको सिंपली जैसे मैं आपको यहाँ मैसेज का बता रहा हूँ, मैसेज के ऊपर ड्रैग करके दबा के रखना है। उसके बाद जैसे आप साइड में ले जाओगे, यहाँ पे ऊपर करोगे तो ऊपर स्लाइड स्प्लिट हो जाएगा, नीचे करोगे तो नीचे भी हो जाएगा। पर हमको पॉपअप करना है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप, ड्रॉप हियर फॉर पॉपअप व्यू। यहाँ पे जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये आपके सामने पॉपअप में आ जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पर इसको छोटा भी कर सकते हो, यहाँ पे इस कोने में या फिर इस कोने में किसी भी एक कोने को ऐसे पकड़ के आप इसको ड्रैग करोगे तो ऐसे ही छोटा हो जाएगा दोस्तों। ये देखो, यहाँ पे मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, ये। इसके बाद दोस्तों, और एक बहुत सारे सेटिंग्स इसमें। अब आप यहाँ पर ऊपर टैप करोगे, जैसे यहाँ पर टैप करोगे आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। इसमें आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी टेम्परेसी का दे देगा, आप इसको फुल भी कर सकते या फिर आप इसको कम कर दोगे तो आपको पीछे की चीज़ें भी दिखाई देगी। और दोस्तों, अब दूसरे वाला ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर आप दूसरे नंबर पर क्लिक करोगे एक बबल बन जाएगा दोस्तों, जैसे आप क्लिक करोगे तो वापस ओपन हो जाएगा और वापस मिनिमाइज़ भी हो जाएगा। और दोस्तों, इसके पास वाला जो है ये बटन को जब दबाओगे आप तब यह बड़ा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो दोस्तों, बड़ा हो गया। अब इसको वापस कैसे कर सकते हैं, आप पॉपअप को दो तरह से कर सकते हो दोस्तों। एक तो एज पैनल से कर सकते हो और दूसरा आप रिसेंट टैप को जैसे दबाओगे आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है। इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने और ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ऐप इन्फॉर्म, ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, ओपन इन पॉपअप व्यू और लॉक दिस ऐप। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ओपन इन पॉपअप व्यू, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वापस से पॉपअप में चला जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे विंडोज़ कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैसेज वाला मैसेज कर लिया है, और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे व्हाट्सअप का। दोस्तों, व्हाट्सअप को भी हम पॉपअप कर सकते हैं। यहाँ देखो आप, ये देखो दो विंडो चला दिए। वैसे आप बहुत सारे विंडो एक साथ चला सकते हो और आपका बैकग्राउंड का काम भी कर सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।